नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। तो ऐसा क्या हुआ कि मंत्री के बयान पर तूफान खड़ा हो गया है? ऐसा क्या बोल गए मंत्री दिनेश खट्टी कि वैश्य समाज की नाराजगी सातवें आसमान पर पहुंच गई? जी, योगी सरकार के मंत्री दिनेश खट्टी एक बार फिर से विवादों में है। पहले बयान आपको सुनवाते हैं, फिर उसके बाद पूरा विवाद भी आपको बताएंगे कि पूरा विवाद क्या है, मंत्री जी आखिर क्या कुछ बोल रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं, आखिर क्यों इस बयान के बाद वैश्य समाज की नाराजगी सातवें आसमान पर नजर आ रही है। मंत्री दिनेश खट्टी ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवा रहे हैं। कप्तान को मैंने इनसे बात करी फोन पर, परसों मैंने इनसे कहा केस फर्जी खुला है, परसों बात करी, ये नहीं है बिल्कुल भी, सात आदमी ने मारा इसको, और मैंने कप्तान को कह दिया तुमने फर्जी खोला है, और मैं खुलेआम कह रहा मीडिया के सामने। सुबह खुला है या परसों का खुला है? अरे बात कर रहा था भाई, अगर से बात कैसी निकल गई, अगर से बात अरे पहलवान मैं एमएलए बन गया, पर ऐसा ना हो जो मैं कह रहा गांव का ही हूँ, शहर का नाम है, मैं बनिए की औलाद ना हूँ, पाँच दस मिनट तो सुन लो, मेरा कोई नहीं है भाई, हमारी बात। अरे भैया तो सुना आपने, राज्य मंत्री दिनेश खट्टी कहते हैं कि शहर का नहीं हूं, ना बनिए की औलाद हूं। दरअसल मामला जुड़ा है मेरठ में 4 अक्टूबर को हुए दीपक हत्याकांड से, जहां मंत्री जी परिजनों के बीच पहुंचे थे। इस दौरान दिनेश खट्टी दीपक के परिजनों के साथ धरने पर बैठ गए थे और दीपक हत्याकांड खुलासे पर सवाल उठाने लगे थे। मंत्री दिनेश खट्टी मेरठ के एसएसपी के चिट्ठे खोल रहे थे, तभी कोई बीच में बोला। इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि अकड़ से बात ना कर पहलवान, मैं एमएलए बन गया हूं लेकिन गांव का ही हूं, शहर का नहीं हूं, ना बनिए की औलाद हूं। मंत्री दिनेश खट्टी के बनिए वाले बयान पर अब बनिया समाज ने आपत्ति जताई है और इसको लेकर अपनी नाराजगी का इजहार भी किया है। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ये पूरा वाक्य आखिर क्यों इस बयान के बाद बवाल खड़ा हो गया है, बखेड़ा खड़ा हो गया है। तो शहर का नहीं हूं, ना बनिए की औलाद हूं, ऐसा कहते हुए मंत्री दिनेश खट्टी नजर आए हैं। आपने सुना भी है, राज्य मंत्री दिनेश खट्टी के बयान पर बवाल मचा हुआ है, हो भी क्यों ना, क्योंकि एक समाज को उन्होंने सीधे तौर पर टारगेट किया है, ऐसे आरोप उन पर लग रहे हैं। तो मंत्री जी आखिर ये क्या बोल गए हैं, ऐसे सवाल हर कोई कर रहा है। शहर का नहीं हूं, ना बनिए की औलाद हूं। मेरठ में 4 अक्टूबर को दीपक हत्याकांड हुआ, जहां मंत्री जी परिजनों के बीच पहुंच गए। इस दौरान दिनेश खट्टी दीपक के परिजनों के साथ धरने पर बैठ गए और दीपक हत्याकांड खुलासे पर सवाल उठाने लगे थे। मंत्री दीपक के परिवार से बातचीत ही कर रहे थे कि इसी बीच उन्होंने एसएसपी के चिट्ठे खोलने शुरू कर दिए, तभी कोई बीच में बोल पड़ा। इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि अकड़ से बात ना कर, मैं एमएलए बन गया हूं लेकिन गांव का ही हूं, शहर का ना हूं, ना बनिए की औलाद हूं। बस ये बनिया शब्द जो है, ये बनिया समाज के लोगों को अखर उठा है और इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ लखनऊ ब्यूरो चीफ दानिश मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं, दानिश को हम रुख करेंगे। दानिश, मंत्री दिनेश खट्टी एक बार एक समय था जब एक पत्र लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं और रोते हैं कि उनकी सुनवाई नहीं होती है क्योंकि वो ऊंची जाति से नहीं आते हैं। अब वो बनियों को बीच में ले आए हैं, बयान सामने आया है, बवाल मचा हुआ है। देखिए, राज्य मंत्री दिनेश खट्टी का एक बहुत ही अच्छा स्टाइल है सुर्खियों में बने रहने, और मुझे लगता है ये वीडियो शायद उनकी जानकारी में नहीं बनाया है, चुपके से इस वीडियो को बना लिया है। हालांकि ये वीडियो वायरल हो गया है और इस वीडियो में दिनेश खट्टी जो की राज्य मंत्री है योगी सरकार के, उन्होंने ये कहा है कि कप्तान को मैंने फोन किया था, चुप रहो, प्यार से बात करो, दूसरा उन्होंने कहा कि मैं बनिए नहीं हूँ और आपके गाँव का, तो इस पे जाहिर सी बात है वैश्य समाज जो है बनिए के, उन लोगों ने इस पे एतराज जताया है जिसका वीडियो वायरल हो गया है। हालांकि अभी इसमें किसी पॉलिटिकल रिएक्शन नहीं आया है और सत्ता पक्ष से लेकर पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने भी इस पर अभी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष के पास इसकी जानकारी पहुंची है और मुझे लगता है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं फूल पकड़ेगा, और दिनेश खट्टी चूंकि ऐसे मंत्री हैं जो पिछले बार अभी नाराज बताए जा रहे थे कि उनकी सुनवाई नहीं हुई, एक बार फिर उन्होंने इस चीज को सामने लाने का प्रयास किया है, और इस वीडियो के वायरल होने के बाद अंतर जो कला चल रही है बीजेपी के अंदर वो चीज तो सामने आ गई है,
और इसमें जो दिनेश खटीक हैं इनकी जो एक वीडियो में इन्होंने एक दो शब्द कहे हैं, एक तो ये कि कप्तान से मैंने बात की थी, तो आखिर वो कौन सी बात थी कप्तान से इन्होंने की है, क्या कानून व्यवस्था को लेकर के इन्होंने सवाल खड़ा किया है या उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर इनकी सुनवाई नहीं उसको लेकर सवाल खड़ा किया है, और इन्होंने बनिया शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है जिससे वैश्य और बनिया समाज नाराज हो गया है, तो क्या दिनेश खटीक जी के अंदर की नाराजगी कुछ और है या क्या खड़ा हो सकता है कि मंत्री खुद जाकर के लोगों के बीच में उनके साथ बैठना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, और ये कप्तान का जो नाम बार बार आ रहा है बिल्कुल दानिश, लेकिन यहाँ दीपक हत्याकांड हुआ था और उसके बाद परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, तो आखिर बनिया बीच में कहां से आ गया, बनिए की औलाद हूं ये कहते हुए राज्य मंत्री क्यों नजर आ रहे हैं, और क्या इस बयान के बाद जो किरकिरी उनकी हुई है क्या वो माफी मांगने के लिए तैयार है? देखिए अभी इस मामले में तूल नहीं पकड़ा है, मुझे लगता है कि अब ये मामला तूल पकड़ेगा क्योंकि विपक्ष को इसकी जानकारी हो चुकी है और विपक्ष इस मुद्दे को तूल बनाएगा, और जिस तरीके से राज्य मंत्री ने भरे मजनू में ये बात कही है कि बनिए की औलाद हूं, तो इस तरीके से मतलब जातिवाद को उन्होंने बढ़ावा देने की कोशिश की है, और एक शब्द का कहते हैं ना कि जो प्रोनाउंस है वो प्रोनाउंस थोड़ा सा तीखा हो गया है, जिसकी वजह से शायद राज्य मंत्री दिनेश खटीक की मुश्किलें बढ़ेंगी, और मुझे लगता है कि शायद इस वीडियो वायरल होने के बाद मंत्री पर सवाल भी खड़े होंगे और विपक्ष को एक नया ताला तली मुद्दा मिला है, लेकिन राज्य मंत्री की नाराजगी किस बात से है, राज्य मंत्री ने आखिर ऐसा क्या कहा है कि कप्तान को मैंने बात की, क्या कप्तान उनकी सुन नहीं रहे हैं, हत्याकांड के पीछे अब तक खुलासा होना नहीं पाया है, लेकिन हत्या परिजनों से जो मिलने पहुंचे हैं तो आखिर वो उनको मिलने के पीछे क्या कर रहा था, और अगर वह है तो उन्होंने ऐसी बात क्यों बोली है कि बनिए की औलाद हूं कप्तान को फोन किया है, तो क्या जरूरत थी ये बोलने की ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि राज्य के जो मंत्री होते हैं वो कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर की बात करना चाहिए था, उनको सरकार के प्रति गंभीरता से बात करना चाहिए था। दानिश तो क्या इस बयान के पीछे कुछ छुपा हुआ है या फिर लाइमलाइट में रहने के लिए दिनेश खटीक कुछ भी बोल जाते हैं? नहीं देखिए लाइव लाइट में अगर ये वीडियो होता तो दिनेश खटीक ऐसा नहीं बोलते, लाइट ऐसी बातें इस वीडियो को किसी ने बनाया है और मुझे लगता है शायद इसका संज्ञान शायद मंत्री जी को नहीं होगा, और ये वीडियो बन के वायरल हो गया क्योंकि अब वायरल हो चुका है तो विपक्ष को भी पार्टी पता चल चुकी है, सत्ता पक्ष की पार्टी भी पता है, तो मंत्री जी को भी आज शायद जानकारी हुई होगी, और ये वीडियो जो अजाने अनजाने में बना हो या कैसे बना हो इसके बारे में तो खैर तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये जो वीडियो जिस तरीके से वायरल हुआ उसमें मंत्री जी लोगों को समझाते थे, तो समझाने का तरीका समझ से परे है, और राज्य मंत्री ने समझाने का प्रयास किया था तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बात कर सकते थे, परिवार को इस बात का दिलासा दे सकते थे, उनके साथ न्याय होगा। चलिए ठीक है दानिश, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये पूरा मामला जो है वो दीपक हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, दरअसल राज्य मंत्री दिनेश खटीक परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे, इसी दौरान वो यहां पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे थे और SSP की चिट्ठी खोल रहे थे, तो तभी किसी ने बीच में टोक दिया और इस पर मंत्री जी भड़क उठे और कहते हैं कि अकड़ से बात मत करो, मैं MLA बन गया हूं लेकिन गांव का ही हूं, शहर का नहीं हूं, ना कि बनने की औलाद हूं, इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। अब अपने इस बयान को लेकर क्या मंत्री माफी मांगते हैं या इस बयान के पीछे कुछ और वजह छुपी हुई है? फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।